खैरतल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो दिन पूर्व हुई डकैती का पर्दाफाश कर पारदी गैंग मध्य प्रदेश कच्छा बनियान गैंग के सरगना सहित सात गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मॉनिटरिंग में थानाधिकारी खैरतल अंकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने निरंतर प्रयास कर आम सूचना संकलन व तकनीकी सहायता के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए रात्रि में घर में घुसकर अवैध हथियार के भय पर मारपीट कर चांदी के आभूषण व रुपयों की डकैती करने वाले कुख्यात कच्छा गैंग के सात सक्रिय बदमाशों को लूटे गए चांदी के आभूषण, रुपयों व लोहे की खिड़की को काटने में प्रयुक्त हाइड्रोलिक कटर, डंडा, सरिया सहित गिरफ्तार किया है। बकौल थाना प्रभारी अंकेश कुमार 18-19 जून की मध्य रात्रि करीब 2-2.5 बजे आदर्श कॉलोनी सिवाना रोड खैरतल स्थित श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता के रिहायशी मकान के कमरे की खिड़की को हाइड्रोलिक कटर से काटकर करीब 9 से 10 बदमाश अंदर घुसकर अलमारी में रखे चांदी के दो जोड़ी पायजेब, चांदी के सिक्के, एक सोने की चैन, चांदी के अन्य आभूषण व नकद 15,000 लूटपाट व अवैध हथियार का भय दिखाकर मारपीट करने की गंभीर घटना कारित की। डकैती की गंभीर घटना को दृष्टिगत रखते हुए टीम गठित की गई। आम सूचना संकलन में मुखबिर खास से संपर्क किया। अज्ञात डकैतों की तलाश पतारसी के निरंतर दबिश दी। 21 जून को मुखबिर खास की इतला पर आरोपी शंकर लाल, श्याम बाबू, मनोज, संतोष, विरंज, विजय उर्फ जोनी, करण उर्फ कटवा, पारदी निवासी बिलाखंडी धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश को घट्टा में प्रयुक्त एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, हाइड्रोलिक कटर, लकड़ी के डंडे, सरिये में लूटे गए माल, चांदी के आभूषण व नकद 10,180 रुपए सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ही गांव के निवासी हैं, जो सुनियोजित तरीके से रेकी कर रात्रि में रिहायशी घरों में अनाधिकृत प्रवेश कर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। किसी पारिवारिक सदस्य की जाग होने पर मारपीट सहित गंभीर घटना को अंजाम देते हैं। देख राय होकर अंतर्राज्यीय गैंग से काम करते हैं, जो कच्छा गैंग के नाम से कुख्यात है। घटना के बाद मौके से फरार होकर आसपास की सुनसान जगह पर फरारी काटते हैं। वारदात करने योग्य रिहायशी मकानों की सुबह शाम रेकी करते हैं और गिरफ्तार आरोपियों से डकैती, लूटपाट, नकबजनी की गंभीर वारदातों के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। गठित टीम में अंकेश कुमार थानाधिकारी खैरतल, धर्मवीर एएसआई, कैलाश एएसआई, रमेश चंद हेड कांस्टेबल, लक्ष्मण सिंह हेड कांस्टेबल, सुरेंद्र हेड कांस्टेबल, रामोतार हेड कांस्टेबल, धनपाल सिंह कांस्टेबल, रोशन लाल कांस्टेबल, विजय सिंह कांस्टेबल, ब्रह्मा सिंह कांस्टेबल, ब्रिजेश कांस्टेबल, पुष्पेंद्र कांस्टेबल, मंजीत सिंह कांस्टेबल, हरनाम कांस्टेबल, नेतराम कांस्टेबल, छोटेलाल कांस्टेबल और वीरेंद्र कांस्टेबल शामिल रहे, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी में विशेष भूमिका लक्ष्मण हेड कांस्टेबल और रोशन लाल कांस्टेबल की रही। हाँ सर, आपने कस्बे से चोर पकड़े थे, इनके बारे में बताइए। पुलिस थाना खैरतल के रेलवे स्टेशन के पास की कॉलोनी में 18-19 की रात्रि को 2:30 बजे के लगभग 8-10 बदमाश थे। उन्होंने एक सुरेश चौधरी के मकान में अंदर पीछे से जंगला तोड़ के अंदर प्रवेश कर लिए और उनके परिवार को डरा धमका कर नकदी, सोने चांदी के आभूषण लूट कर वहाँ से ले गए थे। जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना खैरतल की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। लगातार इसमें हम दो दिन से प्रयास कर रहे थे और अज्ञात मंजिलों की तलाश कर रहे थे। इनके बारे में जगह जगह से आसूचना एकत्रित की गई कि ऐसी वारदात कौन सी गैंग कर सकती है, इसके संबंध में सूचना एकत्रित की गई और इसमें काफ़ी प्रयास किए गए, जिसके उच्चाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, एसएसपी डिप्टी साहब के निर्देशन में जो टीम गठित की गई थी, अलग अलग 4-5 टीमें गठित करके विभिन्न स्थानों पर हमने तलाशी की गई, जिसमें आज हमने उस गैंग के सरगना, जो मुख्य सरगना था शंकर सिंह, उसके सहित 7 लोगों को हमने आज गिरफ्तार किया है। इसमें जो सरगना है शंकर सिंह, उसका जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो उसके 30 से अधिक मुकदमे विभिन्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी में 30 से अधिक उसके मुकदमे दर्ज हैं। काफ़ी हार्ड कोर क्रिमिनल है और जो कच्छा बनियान गैंग गिरोह से जाने जाते हैं, जो अपने कच्छा बनियान पहनकर विभिन्न वारदातों में नकबजनी डकैती करते हैं उनके, और सभी के काफ़ी गंभीर धाराओं के सभी के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हमारे पुलिस थाना की टीम द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर काम कर और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दिन में ही 7 मुजरिमों को अरेस्ट किया गया है और इनसे गिरफ्तार करके अब अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये? गुना मध्य प्रदेश के पारदी हैं। पारदी गैंग जो कच्छा बनियान पहन के घरों में वारदात करती है। इनसे कुछ माल वगैरह तो रहना तो हाँ, इनसे जिनको गिरफ्तार किया था, इनसे एक देसी कट्टा, एक हथियार बरामद हुआ है और
जंगले वगैरह काटने के लिए हाइड्रोलिक के कटर मिला है और लाठी सरिये और जो चांदी के रुपए चांदी के सिक्के वगैरह जो आभूषण इन्होंने चुराए थे वो हमने बरामद किया।